जय हिंद साथियों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, अभी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की एग्ज़ाम है, जिसे हम लोग संविदा वर्ग 3 कर रहे हैं। तो जैसे कि काफ़ी साथियों के और काफ़ी हमारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर, कैसे हम लोग बचे हुए दिनों में, अभी हम आपके पास कुछ ही दिन बचे हुए, मान लीजिए सप्ताह भर बचा हुआ है, और सर हम कैसे स्टडी करेंगे, इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो गाइस, आप सभी को बता दूं मैं, कैसे स्टडी करेंगे, क्या हमारी जो है स्टडी में हम किस तरीके से अधिक मार्क्स ला सकते हैं, इसलिए वीडियो देखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही 5 आपका मार्च को एग्ज़ाम होगा, मैं डायरेक्ट आपको लाइव एनालिसिस बताऊँगा कि किस तरीके से और किस जो है पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये चैनल मतलब समाधान स्टूडियो आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है। तो चलिए, कैसे आपकी स्टडी होगी, किस तरीके से हम लोग कहाँ से पढ़े तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग अचीव कर पाएंगे, तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। देखिए गाइस, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आप लोगों के पास 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट में हम लोग को कैसे स्टडी करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है सभी सब्जेक्ट की, सभी ऑलमोस्ट सारे बच्चे सभी सब्जेक्ट को बना लेंगे, पर आपको क्या लगाना है, टेस्ट लगाना है। अब आपके पास पढ़ने का इतना टाइम नहीं बचा है। अब जिन साथियों के पास पढ़ने का टाइम है, जिनका एग्ज़ाम 15 के बाद है, वो ऑलमोस्ट सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि काफ़ी साथी अभी से ही स्टडी स्टार्ट किया है, उन्हें ये कंफर्म नहीं था कि एग्ज़ाम होने वाली है, तो अभी ही उन्हें कन्फर्म हुआ कि एग्ज़ाम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गाइस कि आप लोग जो है क्या करें, आप लोग जो है टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने पर आपको जो है फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको पता चलेगा और आपकी स्टडी क्या होगी, इम्प्रूवमेंट होगी। और उसके बाद आप लोग सभी की पेडागोजी ज़रूर पढ़िएगा, पेडागोजी को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आप सभी लोग बना लेंगे, बट पेडागोजी और बाल विकास CDP में और आपका आपके 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप जिसमें कम मार्क्स, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता, एक हो आपका CDP, ठीक है, और एक होता आपका पर्यावरण। ये दोनों सब्जेक्ट को आप लोग इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो, फिर आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स स्टडी जो है स्टडी से मार्क्स अच्छे से अच्छे ला पाएंगे, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से, और आपको जो है गाइस एग्ज़ाम में आपको 120 प्लस मार्क्स लाना है। कितने? 120 प्लस मार्क्स अगर आपसे है तो आप श्योर है आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। अगर इससे कम मार्क्स अगर आप लोग लेके आते हैं तो गाइस आपका स्कोर क्या होगा, कम होगा, जिससे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। तो मैं जो है आपके लिए क्लासेस भी अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ गाइस, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है जल्दी से जल्दी जुड़े चैनल पर, और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम होती है, ठीक है। तो आप लोग जो है जिन साथियों ने ये वीडियो ज़रूर देखा है, वीडियो को शेयर कीजिए गाइस, और जो है अधिक से अधिक जो है साथियों को बताइए कि आपको किस तरीके से, आपको टेस्ट लगाना अनिवार्य है। अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टेस्ट ज़रूर लगाइए, टेस्ट ज़रूर लगाइए। आप का जो है जितना भी बेसिक जिनका क्लियर नहीं है, तो टेस्ट के थ्रू हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है वह उन्हें पता चलने वाला है, जिससे कि आपको इसका बेनिफिट एग्ज़ाम हॉल में मिलने वाला है। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गाइस।